स्वागत है। अभिनेता अजय देवगन की फिल्म टार्जन द वंडर कार की सुपरकार इन दिनों कबाड़ में पड़ी हुई है। एक फेसबुक यूजर ने इसे खोज निकाला है, जिसके बाद कबाड़ हो रही कार की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो गई है। कहा जा रहा है कि फिल्म के फ्लॉप हो जाने के कारण यह आज तक मार्केट में लॉन्च नहीं हो पाई। फेसबुक यूजर विक्रम आदित्य शुक्ला ने मुंबई की एक गली में रखी कार को खोजा है। आदित्य ने इसकी फोटोज एक सीरीज ऑफ टॉपिक ग्रुप में शेयर की है। कार 1991 में आई टोयोटा इमार्दो पर बेस्ड थी। यह साल 2004 में आई अजय देवगन, वत्सल सेठ और आयशा टाकिया की फिल्म में नजर आई थी। फिल्म की कहानी कार के इर्द गिर्द बुनी गई थी। विकिपीडिया के अनुसार फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल हो जाने की वजह से यह कार कभी लॉन्च ही नहीं हो पाई। इस कार की तुलना 2004 की मित्सुबिशी एक्लिप्स और फरारी 348 से होती थी। फिल्म की नाकामी की वजह से टार्जन कार अब कबाड़ में पड़ी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कार डीसी ने बनाई थी और इसे बनाने में कुल 8 महीने का टाइम लगा था। फिल्म रिलीज के बाद इसे बेचने का प्रयास भी किया गया था। उस समय इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई गई थी, लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला। इसके बाद साल 2006 में फिर एक बार इसे सिर्फ 35 लाख रुपए में बेचने का प्रयास किया गया, लेकिन यह उस वक्त भी नहीं बिकी और अब यह कार रखे रखे कबाड़ हो गई है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।